तो हमने कल की क्लास में आपके साथ वी लुकअप के बारे में जाना था कि वी लुकअप में हम कैसे एरे, कैसे कॉलम, कैसे मैच का इस्तेमाल करते हैं और वी लुकअप को हम यूज करते हैं। और मुझे जहां तक आशा है कि आप लोगों को वी लुकअप समझ में आ गया होगा। अब वी लुकअप के बाद जो अगला ऑप्शन है हमारा वो है मैच और इंडेक्स, मैच इंडेक्स एंड ऑफसेट। आज की क्लास में हम आपके साथ यही डिस्कस करने जा रहे हैं, मैच इंडेक्स और ऑफसेट। ठीक है सर? ठीक है सर। चलिए कल हमने कौन सी फाइल खोली थी, एक मिनट में फाइल ओपन कर लेता हूँ। तो कल हमने ओपन की थी वी लुकअप। चलिए अब जैसे कि हमने कल की क्लास में आपके साथ डिस्कस किया कि आपका यूनिक आईडी स्टार्टिंग में होना चाहिए, तभी आप डेटा को ले पाएंगे, राइट सर? अब मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे पास एक डेटा आया। अब इस डेटा में मेरा जो यूनिक आईडी है वो स्टार्टिंग में नहीं है, कुछ कॉलम बाद है, राइट? तो मैं अगर बी लुकअप से लुकअप करना चाहूं तो ये सेल्स कैटेगरी, सब्जेक्ट, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, एमआरपी, अमाउंट हम बी लुकअप से कर सकते हैं, बट क्वार्टर, जून, डेट, सिटी, मैनेजर ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि वी लुकअप हमेशा लेफ्ट टू राइट चलेगा, राइट टू लेफ्ट नहीं चलेगा, राइट सर? तो कैसे करें कि मान लीजिए कि मेरे पास आईडी नंबर 6 है और आईडी नंबर 6 का मुझे सिटी चाहिए कि कौन से सिटी में, तो ये तो वी लुकअप नहीं निकाल पाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक इंडेक्स का फॉर्मूला है। इंडेक्स फॉर्मूला क्या कहता है कि आप पूरा ओवरऑल डेटा को सिलेक्ट कीजिए और इस जो डेटा आपने जो सिलेक्ट किया है उस डेटा में बताइए कि कौन सा रो और कौन सा कॉलम चाहिए। तो मैंने बोला कि मुझे चाहिए रो नंबर, मतलब कि 6 है हमारा, तो रो नंबर 7 चाहिए एंड कॉलम नंबर मैंने बोला कि सिटी है तो 1, 2, 3, 4 चाहिए, तो 4 हमारा डेटा आ गया, कोलकाता आ गया, 6 का कोलकाता सिटी आ गया। बट ये तो मैनुअल हुआ ना, क्योंकि कल के डेट में मान लीजिए कि मेरे पास 12 है तो रिजल्ट चेंज नहीं हुआ। रिजल्ट कब चेंज होगा, जब इसका जो ए रो नंबर है इसके 12, इससे 7 के जगह पे मैं 12 का रो नंबर 13 है हमारा, इस 13 को डालूंगा, उसके बाद ही ना नागपुर आएगा। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक कैसे हुई? तो कल के डेट में, कल की क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक मैच का फॉर्मूला है जो किसी भी नंबर को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों वे में लुकअप करता है और उसका रो नंबर या कॉलम नंबर हमें रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया मैच का और मैच के फॉर्मूले में मैंने सिलेक्ट किया अपने इस डेटा को, ठीक है, एंड कॉमा हमने दिया 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। और जहां हम 13 लिखते थे, अब मैच हमको 13 लिख दे रहा है, तो इस 13 को हम सिलेक्ट कर लेते हैं इंडेक्स में। अब मेरा फुल्ली ऑटोमेटेड हो गया कि मैं 7 लिखूंगा तो 7 आएगा, 8 लिखूंगा तो 8 आएगा। और ये वी लुकअप से बेटर है, ये लेफ्ट में भी चलेगा, राइट में भी चलेगा, दोनों में चलेगा। मान लीजिए मुझे क्वांटिटी करना है तो क्वांटिटी का कॉलम नंबर कितना है, कॉलम नंबर है 11, तो मैं जहां पे 4 सिलेक्ट किया है यहाँ पे 11 कर दूंगा तो मुझे यहाँ पे इसकी क्वांटिटी पता चल जाएगी। समझ गए? क्लियर सर। क्लियर है? किसी को डाउट? अनिल जी, निखिल जी, को डाउट? नहीं। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अगला ऑप्शन आता है कि हमें डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा। सही से खाओ, हेलो।
सॉरी सर म्यूट हो गया था। तो मैं बोल रहा था कि हमारे पास जो डेटा है ये डेटा कल के डेट में इंक्रीज हो सकता है, तो हमें इंडेक्स में जाके हमेशा इंक्रीज करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमने इंडेक्स में तो एरिया सेलेक्ट कर लिया है। तो इंक्रीज या डिक्रीज ना हो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला आता है ऑफसेट का। अब ऑफसेट फॉर्मूला जो होता है जस्ट लाइक इंडेक्स फॉर्मूला, लेकिन इसमें खासियत ये है कि हमें पूरा डेटा सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ स्टार्टिंग ऑफ द डेटा को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब इसमें रो नंबर, तो जैसे कि रो नंबर 10 है तो 10 को हम एक कम करें, क्योंकि ऑफसेट की जो काउंटिंग शुरू होती है वो जीरो से शुरू होती है, 0 1 2 ऐसे, मतलब कि आपका इंडेक्स का 3 होगा 1 2 3, तो इसका होगा 0 1 2, एक कम होगा इसलिए एक माइनस करना पड़ेगा। और मुझे सिटी चाहिए तो सिटी है 0 1 2 3, यहां 3 कर देंगे तो रिजल्ट आपके सामने है। लेकिन इसको भी मैच देना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली लुक डेटा को मैच नहीं कर पाएगा, लुकअप करेगा रो नंबर एंड कॉलम नंबर के बिहाफ पे, लेकिन आपको रो नंबर कॉलम नंबर ऑटोमेटिक मैच से ही आएगा, तो ऑफसेट इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑफसेट में किसी को दिक्कत नहीं? फिर समझाइए सर, ऑफसेट में थोड़ा कंफ्यूज हुआ। देखिए ऑफसेट और इंडेक्स समझ में आ गया? इंडेक्स क्या करता है तेजिंदर जी? इंडेक्स हमने जो फाइल जहां से उठाना है उसको पिकअप करता है। फाइल नहीं, आपके आपके डेटा रेंज के अंदर में जो रो नंबर और जो कॉलम नंबर आप डालोगे उसका वैल्यू शो करेगा। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे कि मैंने रो नंबर 10 डाला, PP5 10 है, और कॉलम नंबर 2 डाला, तो रो नंबर 10 पे गया हो, कॉलम नंबर 2 पे गया हो, और इसका नॉर्थ दे दिया। ठीक है, अब ऑफसेट भी सेम काम करता है कि इसमें जो रो नंबर और कॉलम नंबर दोगे उसका रेफरेंस निकाल, उसका वैल्यू देता है। तो मैंने बोला कि 10वें नंबर रो और 30वें नंबर कॉलम, तो दसवां हमें 10 के लिए हमें माइनस 1 करना पड़ा, क्योंकि ये ऑफसेट 0 से काउंट करता है, इसलिए एक ज्यादा हो जाएगा अगर 10 दूंगा, तो हमने इसे 9 दिया, तो इसने यहां से काउंट किया 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, और फिर मैंने यहां पे दिया 3, तो 0 1 2 3, और इसका जयपुर जो है यहां पे शो कर दिया, कर दिया। क्लियर, जैसे इंडेक्स ने किया ऐसे इसने भी किया। दोनों में फर्क क्या है? इंडेक्स को पूरा एक रेंज देना पड़ेगा, ऑफसेट को क्या देना पड़ेगा? स्टार्टिंग ऑफ द डेटा, और मैच आपको दोनों में देना पड़ेगा। मैच अलग है, मैच क्या कर रहा है कि आपका जो यूनिक नंबर है, यूनिक नंबर है, यूनिक नंबर है, उसका पोजीशन बताता है। ठीक है, ये कितने नंबर रो इंडेक्स में है, मतलब काउंट करके बताता है। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मैच और इंडेक्स को मिक्स करके यूज करो या ऑफसेट और मैच को मिक्स करके यूज करो। मतलब वी लुकअप का अल्टरनेटिव है। वी लुकअप की प्रॉब्लम क्या है कि लेफ्ट टू राइट चलता है। अगर इन दोनों को कंबाइन करके यूज करोगे तो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट आपका नहीं चलेगा, चारों तरफ चलेगा, मतलब ये कहीं का भी डेटा आप पिक कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर क्लियर सर। आगे बढ़े इस पे। अब अगला एग्जांपल ये है कि मेरे पास डेटा अभी क्या है, हॉरिजॉन्टल है, तो वर्टिकल है ना, हमारा यूनिक आईडी कॉलन में है। अभी क्या हुआ कि किसी एक डेटा के ऊपर मेरा डेटा ट्रांसपोज हो गया और हमारा जो यूनिक आईडी था वो कोरोबाइज हो गया। अब मुझे
आईडी नंबर 7 का क्वांटिटी चाहिए, राइट? अब इस पे वी लुकअप तो नहीं लगेगा ना, क्योंकि वी लुकअप तो वर्टिकल डेटा पे लगता है और दिस इज द हॉरिजॉन्टल डेटा। तो वी लुकअप के ही जैसा हमारे पास एक फॉर्मूला है एच लुकअप, जो कि हॉरिजॉन्टल डेटा पे चलता है। मतलब जब आपका डेटा हॉरिजॉन्टली हो तब यूज करेंगे आप एच लुकअप का। एच लुकअप, हमने लुकअप वैल्यू को सिलेक्ट किया, टेबल एरिया को सिलेक्ट किया। अब देखिए, वी लुकअप में हम टेबल इस तरह से सिलेक्ट करते थे, एच लुकअप में टेबल हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? और यहां पे देंगे रो, अभी लुकअप में हम कॉलम नंबर देते थे, इसमें देंगे रो नंबर। तो रो नंबर हो गया 0, 1, 2, मतलब कि हमारा हो गया क्वांटिटी 11 नंबर पे, और मैंने 11 नंबर दे दिया और यहां पे दे दिया 0 फॉर एग्जैक्ट मैच, ठीक है? ठीक है सर, एच लुकअप समझ में आ गया? और सर, इसमें इंडेक्स मैच नहीं लगा सकते? हाँ, इसमें इंडेक्स मैच हर जगह पे लगा सकते हैं सर। हाँ, वो वर्टिकली हॉरिजॉन्टली सब जगह लग जाएगा। हाँ, अब इंडेक्स मैच देखिए, हमने पहले मैच लगा फॉर्मूला, यहाँ पे मैच का लगाया फॉर्मूला, या एक साथ भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने यहाँ पे कॉमा 0 कर दिया, तो मुझे इसका कॉलम नंबर पता चला गया। अब मैं इंडेक्स का फॉर्मूला लगाऊंगा, अपने इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है? रो नंबर हमारा क्या है, 11 है, और कॉलम नंबर क्या है, 8 है, ठीक है? आ गया 65। और हम ऑफसेट का भी इस्तेमाल, ऑफसेट और मैच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम A1 को सिलेक्ट करेंगे और रो नंबर हमारा हो गया, देखिए क्या है, 10 है, 11 है, तो 10 होगा, एक कम होगा, और कॉलम नंबर 8 है तो -1 होगा, 8 - 1 = 7, और सीधी पर आ गया। तो आपको जो सुविधा बुझाता है उस सुविधा पे इसका काम, इसको इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है? समझ गए? विदाउट, ठीक है सर, ठीक है सर, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, प्रैक्टिस तो कीजिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा।